की फोटो पहले लो पार्षद कौन आएगी पर्ची बना रहे हड़िया बेटा सामने से ये गंदगी बहुत है। अभी आपने देखा क्योंकि ये पीने का पानी यहाँ से लोग भरते हैं, ये नाली का नल जो है ये बहता सारा पानी के अंदर, उसमें दूषित वातावरण हो गया, कीड़ा आते हैं। टंकी की बरसों से सफाई नहीं हुई है, ये एक टंकी ट्यूबवेल खराब पड़ा हुआ है, लीकेज हो रही है। इसके अलावा कभी कैंटोनमेंट की तरफ से आज तक कोई सफाई अभियान नहीं हुआ यहाँ पे, और टैक्स के बारे में बराबर लोगों को बोलते रहते। आपने कभी शिकायत करी कैंटोनमेंट? बहुत बार लोगों ने की, हमसे पहले ये बुजुर्ग लोग जो यहाँ रहते हैं पुराने, इन लोगों ने बार बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आश्वासन दे देते हैं और कभी कोई। यहाँ की पार्षद का क्या कहना पड़ रहा है? पार्षद का कहना पड़ता है कि मैं अभी रिस्पांसिबल नहीं हूँ इस एरिया के लिए, कॉलोनी में पाँव रखना नहीं चाहते। हम तो बहुत वक्त गए लेडी से मिलके, मगर वो बोलते कि मैं अंदर आऊंगी नहीं और यहाँ का कुछ भी नहीं करूंगी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, हैं अवैध कॉलोनी है, हम मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकती। वोट डलना है, टैक्स पूरा हम लोग भरते हैं और हमसे भरने के लिए भी तकादा करते हैं, क्या ये टैक्स भरना पड़ेगा? कैन बोर्ड में कभी कम्प्लेन करी? कई बार हम लोग ने सब कुछ कर लिया मगर कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। इसमें रैली भी निकाली, घंटू मैन तक के गए हम लोग, यहाँ की गंदगी से बच्चे बीमार हो रहे हैं और कुछ भी सुविधा नहीं है हमारे लिए। 3,500 आदमी कुछ वही तो, ना पानी की है, ना सड़क की है, ना कोई कोई बात की, हमारे को यहाँ फैसिलिटी नहीं है। नाम बता दो। नसीब। जो साफ सफाई हुई है, मेरा नाम प्रेजर राजकेश खेड़कर है और मैं खान कॉलोनी का निवासी हूँ, और जो साफ सफाई हुई है स्वयं ज्योति की संस्था के द्वारा की गई है, हमारी टीम ने पूरी साफ सफाई करी है जो अभी आपने अपने बताई है। और एनजीओ की तरफ से हमने सब काम किया है, एनजीओ मेरा खुद का ही है, और इसमें हमारे जितने भी मित्रगण हैं, आनंद भाई, सौरभ शर्मा और भी हमारे जो मित्र हैं, उन सबने मिलकर यहाँ पे सफाई करी। बहुत दिन से यहाँ पे लोग बीमार पड़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पीलिया पड़ रहा था, तो उसको देखते हुए हमने कहा कि चलो कॉलोनी और कैंटोनमेंट तो कुछ कर नहीं रहा, तो चलो कॉलोनी वाले मिलके हम कुछ कर लेते। तो मैंने एनजीओ की मदद से और अपनी कॉलोनी वाली की मदद से ये कॉलोनी पूरी, मतलब कॉलोनी की गंदगी को साफ करने की कोशिश थोड़ी बहुत की है। वार्ड क्रमांक 8 की बात नहीं है, विशेष रूप से क्या है कि जो कॉलोनियाँ हैं, चाहे खान कॉलोनी हो, चाहे कंचन विहार हो, कॉलोनियों के अंदर का जो हिस्सा है वो प्राइवेट प्रोविसेस में आता है, उसके अंदर के साफ सफाई की और पूरे मैनेजमेंट की जवाबदारी कॉलोनाइजर पे या वहाँ के लोगों के ऊपर होती है। उसमें कैंटोनमेंट बोर्ड अंदर किसी भी प्रकार का काम जो है नहीं करा सकता है, इसलिए थोड़ी सी वहाँ तकलीफ आती है काम करने में, और लोग अपेक्षाएँ करते हैं कि कैंटोनमेंट बोर्ड कराए, लेकिन कानूनी रूप से कैंटोनमेंट बोर्ड करा नहीं पाता है काम वहाँ पे, इससे पार्षद पे भी आरोप लगते हैं और दूसरी बातें भी होती हैं। लेकिन इसके अलावा, लेकिन वो क्षेत्र तो छावनी परिषद की सीमा के अंतर्गत ही आ रहा है। नहीं, यहाँ जो
क्लासिफिकेशन है ज़मीनों का, उसमें आउटसाइड सिविल एरिया में आता है खान कॉलोनी, और विशेष रूप से वो बगीचे और बंगले थे उसमें आता है, वो तो वो डीओ के मैनेजमेंट में है, जो रक्षा संपदा अधिकारी है उसके मैनेजमेंट में है, इसलिए उसके वो भी उसके आसपास की साफ़ सफाई या व्यवस्थाएँ कर सकते हैं, बाकी अंदर कॉलोनी के अंदर काम नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ी तकलीफें हैं कानूनी हिसाब से।